started as a sapling is now all grown into a large tree. We have now 5 batches of MBBS, BSc paramedical students, and the Health Foundation Day. We recognize the efforts of all those who have contributed. Let's begin with the proceedings of the house. For this, I will start with our principal. He is trustworthy, sincere, and devoted to his work. He always takes students and the patients seriously. Under his guidance and leadership, GMC. Dr. Yashpal, Director of Coordination, senior faculty members, students, ladies and gentlemen, आज के इस फाउंडेशन डे के अवसर पर सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के प्रिंसिपल को, स्टाफ मेंबर्स को, नॉन टेक्निकल स्टाफ है हमारा, फैकल्टी मेंबर्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स को और कठुआ की आम जनता कि जीएमसी कठुआ एक बेहतर इंस्टीट्यूट बन के उभर आ रहा है और इस बार 5th बैच ने यहाँ पे एडमिशन ही ली है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रयास और मेडिकल एजुकेशन को एक्सपेंड किया जाए, हेल्थ को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए, उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, उसी कड़ी में ये कॉलेज की स्थापना हुई और आज बड़ी खुशी है ये जानते हुए कि 5th बैच आज यहाँ पे एडमिट भी हुआ है और कठुआ में जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर्विसेज थी हैं उसमें भी एक विजिबल इम्प्रूवमेंट आई है। टू बी हेयर ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डे टू सेलिब्रेट द 5th फाउंडेशन डे ऑफ जीएमसी कठुआ विच वॉज लेट ऑन इन 2019 बाई देन गवर्नर ऑफ Jammu and Kashmir. With immense pride and satisfaction, I am here to present the annual report of GMC Kathua, a golden landmark for this prestigious institution with remarkable accomplishments, events and activities. I took the responsibility as principal on 1st Jan 2023 to march ahead in the quest to give this institution a name of repute in the field of medicine. The highest priority was accorded to me by the government of J&K to speed up the work of comprehensive redevelopment of Associated Hospital GMC Kathua and Medical College. Coming to academic excellence, it was yet another year in which our students excel in academics. The institution continued to uphold the reputation as a center of educational distinction. Coming to university results, our first batch of 2019 have set the trend of topping the university exams. So this year also, the results which came in January 2023 in our phase 1 MBBS students, our students were second and third in university positions of Jammu University. Big applause, please. Now I call Talia Rukai. Talia, please. Talia, please. Second position goes to Miss Ayushi Sharma. She scored 649 marks. Miss Ayushi, please. Third position was shared between Miss Shweta Kundal and Nitika. I call Miss Shweta Kundal. She also scored 630 marks. Now their second rough results. The first position, second position, Ankeshwar Slatia.
third position by Miss Talia, please. शर्मा जी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के मेयर हैं, वो एज ए चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में जहां आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। डायरेक्टर साहब, मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल, अभी अभी मैंने कहा डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, बड़ी खुशी की बात, और बहुत ही बच्चों के लिए जो इन्होंने लेक्चर दिया है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जहाँ पे आए हुए हमारे गोपाल जी, हमारे डोगरा साहब, अभी हमने देखा कि जितने बैचेस जहां हुए उनको आज सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने हमारे मेडिकल कॉलेज का तो नाम ऊंचा किया, पूरे जेके यूनी का नाम ऊंचा किया है, कि वो इतने अच्छे नंबर्स लेके जो जहां पास आउट होके जो आगे लोक सेवा में अपनी सर्विसेज देने जा रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनपे आशीर्वाद बनाए रखे। और ये जो आज पहले भी फाउंडेशन डे 5 साल हो गए, तो मैं बताता हूं कि फाउंडेशन डे मनाया जाता था लेकिन वो रहता था इसके अंदर ही, तो मैं धन्यवाद करता हूं सुरेंद्र जी का कि उन्होंने आज जो फाउंडेशन डे मनाया है, ये पूरे जेके यूटी और पूरे देश में इसका वो जाएगा कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे कठुआ के जितने भी हमारे बच्चे हैं, जेके यूटी के हमारे बच्चे हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करके और जो जो जिस भी प्रोफेशन में है ये अब्बल आके देश के लिए और समाज के लिए ये काम करें, सेवा करें। और एक बात मैं और बताऊं कि हमारे जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग करके या MBBS करके, मेहरबानी करके ये बच्चे इसी माटी में से करके जा रहे हैं और जहां ही सर्विसेज दे देश में, ना कि ये वीजा कटा के और चले जाएं फॉरेन में, वो अच्छी बात नहीं है। जो बात जहां ही सर्विसेज दे, क्योंकि मैंने बड़ा सारा देखा है, हमारे दोस्त भी वो चले जाते हैं बाहर, लेकिन जो मजा जहां है, जहां आप पढ़ रहे हो और जिसके लिए काम कर रहे हो, वो हमारा अपना देश है, हमारी अपनी माटी है, जहां ही काम करे और आपको बहुत इज्जत यहां मिलेगी। एक सोच, सेवा और भाव के साथ स्थापित होता है, और वो जो सोच है, भाव है, सेवा है, वो आज प्रबल रूप में दिख रही है। मेरे से पहले जैसे स्पीकर्स ने बताया, इस इंस्टीट्यूशन ने काफी माइलस्टोन्स कवर किए हैं और मैं मुबारकबाद देता हूं आप सबको कि जिस मेहनत से, जिस लगन से यहां के स्टूडेंट्स, आपके प्रिंसिपल और यशपाल शर्मा जी काम कर रहे हैं, वो अपने आप में ही एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में, फैकल्टी में अच्छे मार्क्स लाए हैं। उन टीचर्स को भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इनके साथ कड़ी मेहनत की है
आप सब जानते हैं कि देश हमारा मिशन मोड में है और उसी के साथ में हम सबको भी मिशन मोड में चलना पड़ेगा। और ये मिशन मोड में देश का आने का सौभाग्य हमें इसलिए प्राप्त हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव एंड एग्जाम्पलरी लीडरशिप। सभी प्रधानमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन जब एग्जाम्पलरी और प्रोग्रेसिव लीडरशिप आती है आपने देखा है किस तरीके से चाहे वो चंद्रयान मिशन हो चाहे G20 की प्रेजेंसी हो चाहे कोविड का पैनेडेमिक हो पूरे देश ने कैसे दुनिया भर में एक लीड स्थापित की है। आप सबने कोरोना के समय में जो देश को समाज को सेवा दी वो अपने आप में ही सराहनीय थी और दैट वॉज एन एग्जाम्पल फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी।